नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। शनिवार को हुए 3 नामांकन, कोर वोट बैंक को बचाने के लिए भाजपा प्रत्याशी ने लिया संतों का सहारा। संतों की शरण में टेके घुटने, संतों ने की भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। 4 नवंबर को गोगुंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा, सीपीआई व निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सबसे पहले सीपीआई के रावलिया निवासी लहरा ने नामांकन दाखिल किया। वे चंद लोगों के साथ सामान्य तरीके से नामांकन करवाने पहुंचे। इस दौरान सीपीआई की केंद्रीय समिति के सदस्य तारा सिंह सिद्धू सहित आधा दर्जन लोग मौजूद थे। इससे पहले बगड़ुंदा के प्रेमचंद गमेती ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जानकारी के अनुसार प्रेमचंद गमेती के पिता अंबालाल गमेती ने बरसों पहले भाजपा के भूरालाल भील के सामने चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि भूरालाल भील वर्तमान भाजपा प्रत्याशी के पिता थे, जिसमें अंबालाल की हार हुई थी। हालांकि प्रेमचंद गमेती पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़े, जिसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। 2:15 बजे के मुहूर्त पर भाजपा प्रत्याशी प्रताप लाल बील ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम हनुमान सिंह राठौड़ को सौंपा। इस दौरान उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, देहा जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, प्रभारी मनोज चौधरी व एडवोकेट महेंद्र पालीवाल साथ रहे। इस दौरान विधायक प्रताप गमेती व पुष्कर तेली ने कहा कि उन्हें इसका साथ मिल रहा है और वे चुनाव जीतेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हमारे गोगुंडा विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता हमारे साथ में और आने वाले समय में गोगुंडा विधानसभा क्षेत्र से फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल। कितना लक्ष्य था आज नामांकन रैली को विशाल बनाने का और वो लक्ष्य कितना हासिल हुआ आज? लक्ष्य जितना लक्ष्य था उसका लगभग सवा ही हमने आज प्रताप लाल जी गमेती ने गोगुंदा विधानसभा से तीसरी बार नामांकन भरा है। आज कार्यकर्ताओं के जोश और जनता के जोश को देखकर लग रहा है कि इस बार हम पुनः 2 बार जो चुनाव जीते हैं उसके सारे रिकॉर्ड तोड़कर और राजस्थान की विधानसभा में इनको हम भेजेंगे। और जिस प्रकार 2013 से 18 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास की गंगा बही, उसी तरह 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ से जीतकर प्रताप लाल जी विधानसभा में जाएंगे और जो भी हमारे काम है विधानसभा से संबंधित, चाहे हमारे पर्यटन की दृष्टि से महाराणा प्रताप रातिलक स्थली को बढ़ाने का, उसको डेवलप करने का मामला हो, चाहे हमारे महाराणा उदय सिंह जी की छतरी को डेवलपमेंट का मामला हो, संपूर्ण वर्गों को ध्यान में रखकर हम विकास की गंगा जिस प्रकार हमने पूर्व हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहाई थी उस प्रकार से और करेंगे। और आज आपने इस नामांकन रैली के माध्यम से आपको लगा होगा कि जो हमारा पांडाल है वो छोटा पड़ गया। कार्यकर्ताओं का जोश और जिस प्रकार से जनता इस नामांकन रैली में उमड़ी है, इससे ये पूर्ण विश्वास है कि हम भारी मतों से यहाँ से जीत कर और प्रताप जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। विरोध के जो सुर थे उन सुरों को साधने में कितनी कामयाबी मिली है? हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। हमने हमारे यहाँ पर टिकट मांगने की सबका अधिकार है। हमारे 2 कार्यकर्ताओं ने और भी टिकट मांगे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने प्रताप जी गमेती को टिकट दिया। वो दोनों ही कार्यकर्ता आज हमारे साथ में है, मंच पर है। किसी प्रकार का विरोध का ऐसा कोई सुर हमारी विधानसभा में नहीं है। परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कांग्रेस के यहाँ के हमारे नेता इतने बौखलाहट गए टिकट के चक्कर में, अपनी पार्टी को इन्होंने धमकी तक आ दी कि भाई अगर हमें टिकट नहीं देते हो तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक भील समाज के एक बच्चे ने एक प्रयास किया कि भी कांग्रेस से मैं भी टिकट लूं, परंतु वो भी इनके अखरा और कहीं ना कहीं इन्होंने इस आलाकमान को, इनके खैर इनका कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु इन्होंने दबाव में लेकर टिकट लाए हैं और इनके अंदर विरोध के सुरे, बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। नामांकन से पहले क्षेत्र के भाजपा के लोग महाराणा प्रताप सर्किल पर एकत्र हुए और गोगुंदा चौगान में पहुंचे, जहां जनसभा आयोजित की गई। कोर वोट बैंक को साधने के लिए जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर राजसमंद जिले के संत ज्ञानानंद महाराज व संतोष नाथ महाराज को आमंत्रित किया गया। मंच पर प्रताप लाल भील व उप जिला प्रमुख ने दोनों संतों के चरणों में नमन कर आशीर्वाद लिया। ज्ञानानंद महाराज ने भाजपा प्रत्याशी को गले लगाते हुए
हुए आशीर्वाद दिया। उन्होंने उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली को भी गले लगाया। कईयों के मन में सवाल है कि आखिर प्रताप लाल भील को टिकट कैसे मिला, आखिर प्रताप लाल भील को चुनाव कौन लड़ा रहा है। जनसभा के दौरान मंच पर लगा हुआ यह पोस्टर भी चर्चा का विषय रहा। इस पोस्टर ने लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया है। जनसभा को संत संतोषनाथ महाराज ने संबोधित करते हुए प्रताप लाल भील को जिताने की अपील की। उन्होंने प्रताप लाल भील के गले में फूल माला डाली। मैं यहाँ ज्ञानानंद जी महाराज आशीर्वाद देने आए हैं। आज हम हमारा आशीर्वाद से तिलक करके जा रहे हैं और आप सबको एक आदमी को 100 आदमी बनाने हैं। एक संकल्प करना है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से बीजेपी के कमल के फूल पे बटन दबाएंगे। मेरी तरफ से विजय मैंने अपने दिल से बना लिया है, यह आप सबको मैं संकल्प करता हूँ। संत ज्ञानानंद महाराज ने भी प्रताप लाल भील के लिए कमल के निशान पर वोट देने की बात कही। हम लोग यहाँ इस लोकतंत्र के उत्सव में उपस्थित हुए हैं। श्री प्रताप लाल जी को विधानसभा में भेजना है, पर कोई पूछो मुझसे कि क्यों भेजें भाई, हम प्रताप लाल जी को ही क्यों भेजें, और भी तो लोग हैं। विनय क्यों नहीं भेजा, इन्होंने क्यों भेजा, इनको इसलिए भेजना है क्योंकि ये धर्म के पक्ष में खड़े। केंद्र में जो सत्ता में है उस पार्टी का ही हाथ मजबूत होगा अगर प्रताप लाल जी हमारे चुनकर जाएंगे। इसीलिए प्रताप लाल जी को विजयी बनाना है। तो जो धर्म के प्रति राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है उसको उसके ऊपर विश्वास व्यक्त करके और विधानसभा में भेजिए। जनसभा को उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली व प्रत्याशी प्रताप लाल भील सहित भाजपा पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं मंच पर बड़गांव के जितेंद्र नागदा, पूर्व प्रधान खुबीलाल पालीवाल, सायरा की पूर्व प्रधान मीरा मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राव, प्रधान सुंदर देवी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, पूर्व उप प्रधान पप्पूराणा भील, दयालाल चौधरी, डीसी मेघवाल, जिंडियोली के शंभू गमेती व सभी मंडल अध्यक्षों सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। शंभू गमेती को मना लेने से मिली राहत, बलात्कार मामला फिर बना आफत। खबर पूरी होने वाली है, ऐसी खबरें आपको मिलती रहेगी। लगातार खबरें पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए। आपको बता दें कि प्रताप लाल भील को टिकट मिलने के बाद शंभू गमेती ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने जो कहा था उसे देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि शंभू गमेती ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा त्याग दिया है। नामांकन से पहले 2 दिन में समझा बुझाकर उन्हें साथ ले लिया गया है। शनिवार को जनसभा के दौरान मंच पर शंभू गमेती की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। शंभू गमेती ने अपने उद्बोधन में प्रताप लाल भील को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। मैं तो एक ही कह रहा हूँ कि 5-6 मंडल अध्यक्ष के अलावा उनके कंधों पे भार तो है ही है। वो स्तंभ जो हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं वो स्तंभ है, लेकिन छोटे से छोटे तीरा भी तो काम आता है, वो तीरा आप और मैं हूँ। तो सबको सहयोग करके या भोगुंदा की राजतिलक स्त्री से विजय सिंह के जयपुर पहुंचाना और विजय विकास की गति रुकी उसको अपने को वापस चालू करवाना है और अपने जितने विकास के काम बाकी है वो परिपूर्ण होंगे। शंभू गमेती के साथ आने से भाजपा प्रत्याशी को राहत मिली है। वहीं उनके खिलाफ सुखेर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज करवाने वाली महिला ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजकर न्याय दिलवाने की गुहार की। महिला ने पत्र में बताया कि गोगुंदा विधानसभा सीट से भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस पर बलात्कार के 2-2 मुकदमे दर्ज है। पत्र में लिखा गया, एक तरफ तो भाजपा के शीर्ष नेता राजस्थान के बलात्कार व महिला उत्पीड़न के मामलों का प्रचार करते हुए नारी सम्मान दिलवाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बलात्कार के आरोपी को टिकट दे दिया है। उसने बताया कि विधायक के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रताप लाल भील ने उसे शादी करने का जासा देकर यौन शोषण किया था। उसके बाद उसने बताया कि 2021 में उसने प्रताप लाल भील के विरुद्ध अंबा माता पुलिस थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था, परंतु उसके अकेली होने का फायदा उठाकर विधायक ने उसके पुत्र का अपहरण किया और उसके कोर्ट में बयान बदलवा दिए। वो जैसे ही विधायक के चंगुल से निकली तो उसने अपने साथ घटित घटना के बारे में पुलिस थाना सुकेर में रिपोर्ट
रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रताप लाल भील को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। पीड़िता ने पत्र लिखने के बाद खुद की जान को खतरा बताया है। उसने लिखा कि अगर उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार प्रताप लाल भील होगा। आरोप लगा रही महिला की वकील मंजू सोलंकी ने बताया कि महिला द्वारा प्रताप लाल भील के खिलाफ अंबा माता पुलिस थाने में दर्ज करवाए गए मुकदमे में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, जिसके खिलाफ सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष बात रखी थी और कुछ दिनों बाद उसे चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरी एफआईआर सुखेर पुलिस थाने में दर्ज है, लेकिन पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। बहरहाल महिला ने पीएम व जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। इस पत्र पर जेपी नड्डा व पीएम सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल भाजपा प्रत्याशी के लिए ये मामला फिर से आफत बनता जा रहा है।